हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फ्यूचराइज एकेडमी। सो आज हम लोग टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि रिफॉर्म होता क्या है। ठीक, तो जैसा कि हमने ऑलरेडी क्लासेस में कवर कर लिया था लेक्चर्स में हमारे, तो हम उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। ये हमारा रिविजन लेक्चर है। ठीक है, तो रिफॉर्म मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में बदलाव। ठीक है, कहीं भी अगर किसी चीज में कुछ बदलाव होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई है इकोनॉमिक रिफॉर्म की। तो हमारे जो इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसमें किस किस तरह से बदलाव हुए हैं, क्या क्या तब से लेके अब तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या नए नए टेक्निक्स हम लोग ने यूज किए हैं, क्या करने वाले हैं, ये सारी चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम ये भी देखेंगे कि उसमें कैसा, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, आजाद हुए थे, तो उस टाइम पे हमारा क्या था? एग्रीकल्चर था। ठीक है, हम लोग लैंड पे पूरी तरह से ये थे, लेकिन डिपेंडेंट थे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह लेके आए। ठीक है, इंडस्ट्रीज तो थी ब्रिटिश के टाइम पे, बट हमने क्या किया, हमारे खुद की कंपनी स्टैब्लिश की, जैसे इंडिया की। ठीक है, जमशेद जी टाटा का आपने नाम सुना होगा, तो उन्होंने क्या की, स्टील फैक्ट्री लगाई। तो उसका जो इनकम था, उसके जो सोर्सेस थे, वो सारी कहाँ, हमारे कंट्री में ही रहती थी। उसका जो इनकम होता था वो हमारे कंट्री के लिए ही यूज होता था। ऐसा नहीं कि जो ब्रिटिश यूज करते थे तो उनकी कहाँ जाती थी, बाहर जाती थी। ठीक है, वो अपने देश में ले जाते थे। बट जब हम लोग ने हमारे कंट्री में रिफॉर्म किए, ठीक है, हमारे कंट्री में रिसोर्सेज और इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलप की, तो उसके जितने भी इनकम होते थे, आय के स्रोत जो बोलते हैं हम, आय होते थे, वो कहाँ आते थे, वो हमारे ही देश में रह जाते थे। ठीक है, हमारे कंट्री में रह जाते थे। तो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म किस किस तरह से हुआ, क्या क्या डेवलपमेंट हुई, ये सारी चीजें आज हम इसमें देखेंगे। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। ठीक है, अभी देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म, जैसे कि पहले चल रहा था हमारा पंचवर्षीय योजना में, तो उसपे हम लोग ने एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा फोकस किया। ठीक है, अब पंचवर्षीय योजना में होता क्या था कि एक ही प्लान को, पर्टिकुलर एक ही प्लान को हम लोग क्या करते थे, काफी 5 साल तक उसी प्लान पे फोकस करते थे, तो बाकी की जो चीजें थी वो छूट जाती थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, सब लोग ने बोला कि भाई एक ही चीज पे फोकस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इसीलिए हम लोग ने क्या लाया, नीति आयोग लाया। ठीक है, लास्ट लेक्चर में सर ने बताया था नीति आयोग का रिफॉर्म किया, तो वो रिप्लेस किया पंचवर्षीय योजना को। ठीक है, 5 ईयर प्लान को उसने रिप्लेस किया। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म इनिशिएटेड इन 1991 इज नाउ इन टू द 26th ईयर। ठीक है, ये कब आया, 1991 में। ठीक है, इसका कैलकुलेट कर लो अब कितना साल हुआ है। ठीक है, तो ये जब आया रिफॉर्म, तो इसमें क्या हुए, बहुत सारे चीजें यहाँ पे आने लगी। जैसे अगर कहीं पे इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन होगा। जब ट्रांसपोर्टेशन होगा तो वहां पर वहां का जो रोड वगैरह है वो सारी डेवलप होगी। अब जब वहां पे इंडस्ट्री आ गई, तो कुछ मजदूर बाहर से आएंगे यहाँ पे आपके इंडस्ट्री में काम करने के लिए। अब जब कुछ मजदूर बाहर से आएंगे आपके इंडस्ट्री में काम करने के लिए, तो उनकी फैमिली होगी, ठीक है, उनके बच्चे होंगे। ठीक, तो उनके बच्चे होंगे तो वहां पे पढ़ने के लिए चाहिए, तो वहां पे स्कूल डेवलप होगा। तो इससे क्या हुआ, आपका एजुकेशन डेवलप हुआ। जब स्कूल डेवलप हुआ तो कभी ना कभी तो बीमार पड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, वहाँ हॉस्पिटल आपको एक ओपन करना पड़ेगा। ठीक, अब उनको खाने के लिए राशन चाहिए, तो वहाँ राशन की शॉप खुल जाएगी। तो ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पहले वो जगह बंजर था, फिर क्या हुआ, वहाँ धीरे 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 डेवलपमेंट होते गया। ठीक है, जैसे अगर किसी के अंदर कुछ भी चेंजेस होता है, कुछ भी डेवलपमेंट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा रिफॉर्म हो रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग पहले एकदम अजीबो गरीब रहते थे, कैसे अजीब से दिखते थे, पहले हम लोग बंदर जैसे दिखते थे, फिर हम लोग क्या हुए, धीरे धीरे इंसान दिखने लगे। ठीक है, आदि मानव से पहले, तो जब इंसान के रूप में आए, तो ये क्या था, हमारा एक रिफॉर्म था। ठीक है, हम लोग क्या किया, अपने अंदर रिफॉर्म लेके आया, हम लोग ने लाया, नेचर के थ्रू ही हमारे अंदर क्या हुआ, एक रिफॉर्म होते गया। तो वैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, जितने भी इंडस्ट्रीज थी वहां पे क्या हुआ, वो धीरे धीरे रिफॉर्म होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको ईयर याद करना है कि 1991 में रिफॉर्म स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अभी इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या है, इसका सिर्फ ये जो ब्लैक वाला लाइन है, आपको यही पढ़ना है, जो बोल्ड में लाइन दिया हुआ है, अल्टरनेटिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। ठीक है, ये क्या हो गया, एक अल्टरनेटिव डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, मतलब कि
जैसे कि आप अगर स्कूल में पढ़ाई करते हो, ठीक है, तो आपको कोई कोई टीचर बहुत अच्छी लगती होगी, ठीक है, उनका पढ़ा हुआ आपको सब समझ में आता होगा, और कोई कोई टीचर ऐसा पढ़ाती तो अच्छा लेकिन आपको कुछ नहीं समझ में आता होगा, तो वो क्या हुआ, आप बोलोगे कि नहीं वो जो टीचर है ना मैं उनके पास ट्यूशन जाऊंगा, ठीक है, आपने ये ऑप्शन लिया कि मेरी जो ट्यूशन टीचर है ना मैं उनसे ही पढ़ूंगा क्योंकि वो अच्छा सिखाती है, तो ये क्या हो गया, आपने अल्टरनेट सोल्यूशन लिया एक चीज का, ठीक है, जैसे कोई चीज नहीं उसको हम लोग बोलते हैं ना कि चलो इससे नहीं तो इससे काम चल ही जाएगा, ठीक है, स्कूल में नहीं पढ़ाई हो रही है तो ट्यूशन में पढ़ाई हो ही जाएगी, इसको क्या बोलते हैं अल्टरनेट सोल्यूशन। तो इसी में क्या हुआ, इकोनॉमी में हम लोग एक अल्टरनेट सोल्यूशन ढूंढने लगे कि भाई अगर हम लोग एक ही चीज पर डेवलप रहेंगे और हम लोग सिर्फ खेती बाड़ी और यही सब करते रहेंगे तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, बाकी की कंट्री तो बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगी हम पीछे रह जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जब बदलाव लाना था तो उन्होंने हमारे अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अभी देखिए इसकी जरूरत क्यों हुई और इसमें नई नई पॉलिसी क्या क्या है, ठीक है, मीनिंग एंड नीड्स ऑफ इकोनॉमी रिफॉर्म। अभी इकोनॉमी रिफॉर्म में क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, ये चाहिए तो ये चार्ट का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है, देखो सेट ऑफ पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशन टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, इसमें एक क्या करते हैं, रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है, पॉलिसी होती है, और इसको क्या करते हैं कि हमारा जो गोल है वो इतना हमें अचीव करना ही करना है कैसे भी करके, ठीक है, अगर हमारा गोल अचीव नहीं होता है तो टारगेट जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर हम लोग टारगेट सेट करते हैं कि हमारा इतना टारगेट अचीव करना है, आप प्राइवेट कंपनी में देखेंगे तो वहां पे टारगेट दिया जाता है, ठीक है, टारगेट अचीव करना है, इतना हमें अचीव करना है कैसे भी करके, ठीक, उससे कम या ज्यादा हो सकता है। अब इसकी जरूरत क्या है, नीड क्या है, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर, अब जो हमारी पब्लिक सेक्टर है जो गवर्नमेंट सेक्टर है उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ही बेकार होती है, वो इतनी मतलब आप अगर किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे तो आपको वही काम करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, आपको डेली डेली जाना पड़ता है, आपका एक छोटा सा काम करवाने के लिए आपको ऑफिस में बार बार जाना पड़ता है, एक दो महीने हो जाते हैं जाते जाते, ठीक है, लेकिन अगर वही प्राइवेट सेक्टर रहता है तो वहां पे इजीली आपका काम हो जाता है, भले ही वहां पे चार्जेस लगते हैं लेकिन आपका आपको बार बार जाना नहीं पड़ता, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, ठीक है, जल्दी से आपका काम हो जाता है। फिर क्या हुआ, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसा बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, इसमें कोई भी आप झोल झपाटा नहीं कर सकते, ठीक है, इजी लैंग्वेज में कि इसको कोई भी आप लोग झोल नहीं कर सकते हो, ये जो है वर्ड टू वर्ड ऐसे ही रहेगा, ठीक है, और इसमें कोई भी गफलत होने का चांसेस नहीं रहता, ठीक है। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहता है उसमें इसको ट्रेडिंग करने में काफी इजी रहता है, ठीक है। यूज डेप्थ फॉर गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज होते हैं, जो डेप्थ होते हैं, वो सारी चीजें क्या होती है इसमें कवर, अगर प्राइवेट रहेगी तो उनको क्या करेंगे, वो जो लोन लेंगे उनको उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अब वो लोन किससे लेंगे, गवर्नमेंट से लेंगे, तो गवर्नमेंट का भी फायदा होगा, गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। प्लस अगर हमारा यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप होगी तो हमारा कंट्री ही डेवलप होगा ना, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी, तो ये इसमें बताया गया है, ठीक है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जब ये इन्फ्लेशन आता है, जब महंगाई बढ़ती है तो इनके ऊपर एक प्रेशर बनता है, ठीक है, तो कंपटीशन आपने देखा होगा मार्केट में कितना सारा कंपटीशन होता है, एक ही चीज के लिए, एक ही चीज को लेके कितने सारे कंपटीशन होते हैं, ठीक है, थीके? तो अगर महंगाई बढ़ गई, ठीक है, सपोज किसी एक मार्केट किसी एक कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की, सपोज चॉकलेट का एग्जांपल लेते हैं, उसने अपनी चॉकलेट का जो प्राइस है वो 1 रुपया था उसको 1.5 रुपया कर दिया, तो अब पब्लिक उसको जो पहले खरीदती थी, सपोज 100 पब्लिक खरीदती थी, तो अब पब्लिक क्या करेगी, कम खरीदना चाहेगी, तो 80 पब्लिक उसको खरीद रही है। अब जब दूसरे इंडस्ट्री को ये पता चला कि भाई उसकी प्राइस ज्यादा होने की वजह से उसकी जो डिमांड है मार्केट में वो कम हो गई, तो इसे क्या होगा, जो दूसरा कॉम्पिटिटर था वो उसका बेनिफिट उठा लेगा और फिर वो क्या करेगा, वो और कम में रेट देके वो सेल करना स्टार्ट करेगा, तो पब्लिक कहाँ हो रही है, वहां डाइवर्ट हो रही है, तो जो इन्फ्लेशन आता है तो इनके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन वर्ल्ड बैंक, इनका जो टर्म्स एंड कंडीशन होता है वो कौन डिसाइड करता है, जो हमारा वर्ल्ड बैंक होता है, ठीक है। अब आप लोग को मुझे बताना है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, ये कब स्टैब्लिश हुआ, ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। अभी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसके बारे में देखते हैं, स्टेबलाइज क्या है, स्टेबलाइजेशन मेजर, ठीक है, इसको स्टेबल करने के लिए, मतलब कि
कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मेजर लेते हैं कि भाई ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, प्राइवेट सेक्टर का कुछ ज्यादा ही दबदबा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का भी होना चाहिए, प्राइवेट का भी होना चाहिए, दोनों को मिलजुल के काम करना चाहिए, ठीक है। करेक्टिव एफर्ट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट फिर टेकिंग विद इन्फ्लेशन, ये जो मैंने अभी बताया वही सेम है। फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऐसी नहीं कि भाई तुम कुछ भी उठा के कुछ भी बेच रहे हो, पब्लिक को कुछ भी दे रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर वे में क्या होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे इम्प्रूव इफिशियंसी रिमूविंग ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन। जो इफिशियंसी है, मतलब कि अगर मैं आपको बोलूंगी कि आपको इतना काम करना है तो आप फटाफट होमवर्क करेंगे, आपका इफिशियंट होना चाहिए, आपको खुद से होना चाहिए कि मैं ये काम करके दूं, ठीक है। फिर जो हमारा ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग मतलब क्या, इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट, जो आपका ट्रेडिंग है उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन किस तरह से, कि आपको टैक्स वगैरह प्रॉपर पे करना चाहिए, ठीक है। आपको अगर कंट्री में किसी कंट्री का इंपोर्ट करना मना है तो आपको कंट्री से इंपोर्ट नहीं कर सकते, आपको कंट्री को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें क्या है, आपके रिस्ट्रिक्शन में आती है, ठीक है। वो सारी चीजों को आपको ध्यान में देना है, ठीक। फिर यहाँ पे फीचर्स क्या है इकोनॉमिक रिफॉर्म के, पहला है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसको एक एक करके समझेंगे। देखो, लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है, उदारीकरण। प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, वैश्वीकरण, ठीक है। अब मैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम यही टॉपिक क्यों पढ़ा रही है, ये टॉपिक इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी देखो कृषि बिल आया है, ठीक है, एग्रीकल्चर बिल आया है, तो वो क्या है, वो हमारा प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। तो हो सकता है कि ये चैप्टर से आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये टॉपिक कवर करा रही हूँ, ठीक है। हमारा यहाँ पे है, इसको मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। एक माइक्रो इकोनॉमी होता है और एक मैक्रो इकोनॉमी, जो छोटे लेवल पे होता है उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो, MI, ठीक है। MI से स्टार्ट होती है उसकी स्पेलिंग, माइक्रो इकोनॉमी। और ये होती है मैक्रो, मैक्रो मतलब जो बड़े लेवल पे होता है, ठीक है, जो वास्ट लेवल, एडवांस लेवल पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमी। जो हम छोटे लेवल पे होता है उसको जल्दी मेजर नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग सोचते नहीं, हम लोग बोलते हैं 1-2 रुपए की गलती है तो चलो जाने दो, ठीक है, 1-2 रुपए में किसका भला होता है, ऐसे हम लोग सोचते हैं। लेकिन जो बड़े लेवल पे होता है, ठीक है, जो बड़े लेवल पे चेंजेस होता है उसको हम लोग फटाक से उसको पकड़ लेते हैं। तो इसमें हम लोग अगर देखने जाएंगे तो डायरेक्टली हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक में जो भी चेंजेस होता है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। फिर ठीक है, इसका स्ट्रक्चर रिफॉर्म होता है, ये क्या होता है, ओपन डोर पॉलिसी होता है। मतलब इसके जो मार्केट है वो क्या होती है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, मतलब फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है, ठीक है। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अगर एक बार मार्केट में एंटर कर लिए तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, आपके ऊपर है। अगर आपके पास उतनी फंडिंग है, आप सर्वाइव कर पा रहे हो तो करो, अदरवाइज आप जा सकते हो, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो चार्ट दिया है इसमें क्या बताया है कि 1991 से अभी तक, मतलब 2016 तक का है ये, कि इस इतने टाइम तक हमारे यहाँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो इसको इतना ध्यान देने वाली बात नहीं है, बस ऐसे ही आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको यहाँ पे एंटर किया हुआ। हम अब देखेंगे LPG, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है, ठीक है, 1991 में, इसमें हम लोग ने क्या क्या किया, पोस्ट इंडिपेंडेंट 1950s, एडॉप्शन सोशलिज्म, इसमें क्या किया हम लोग ने, जो हमारा सोशलिस्ट था उसको एडॉप्ट किया। फिर गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर ध्यान किया। फिर क्या किया, हमारा जो एक्सपोर्ट था, मतलब सामान को बाहर भेजने वाली चीजें जो थी उसको इंक्रीज किया। और एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया कि एग्रीकल्चर को हम और कैसे बढ़ावा दे सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। फिर बिजनेस के ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए, ठीक। ये कब किया, 1950s के टाइम पे। फिर 1960s से लेके 1980 तक क्या किया, गवर्नमेंट का कंट्रोल। और फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता होगा कि एग्रीकल्चर से था, ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड था ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर 1990 से अब तक हमने क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म ब्रॉट इन बाय द, ये किसके थ्रू लाया गया था, मिस्टर PV नरसिम्हा राव, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना जरूरी, हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ ले। और उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, मनमोहन सिंह, ठीक है। वो क्या थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। कब थे,
1990 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को प्राइवेटाइज करना, ठीक है। जैसे कि अभी देखेंगे आप रिलायंस, रिलायंस टाटा, ये सारे जितने भी ग्रुप है, ठीक है, ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि हमने क्या किया, हमने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, ठीक है। फिर ग्लोबलाइजेशन, जैसे कि हम चीजों को अपने इसका एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग अमेजोन को देखा होगा, अमेजोन ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही डिलीवरी करता है सामानों का, ठीक है, या फिर इंडिया में उसकी सर्विस है, उसकी ग्लोबली सर्विस है, वो हर जगह सर्विस देता है अपनी, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है, मैकडोनल्ड, माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ डिज्नी वर्ल्ड, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सब जगह इन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस को फैला के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, ग्लोबलाइजेशन है। इसके लिए जो कंट्री का वॉल होता है वो कोई भी वॉल नहीं होता, ये वॉल फ्री होता है, मतलब इसके लिए कोई भी दीवारें नहीं होती है जिससे इसे रोका जा सके, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, ये सभी जगह उसको कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, सभी जगह ये क्या करते हैं, अपने बिजनेस को विस्तार करते हैं, ठीक है। ये वही है, ये चाहिए तो आप लोग अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर ये सारी चीजें हैं जो आप लोग के बुक में दी हुई है, ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, ठीक। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, और अब तक क्या चल रहा है, अब फिफ्थ जनरेशन आ गया, तो उसमें हमने क्या क्या चेंजेस किए। हमारा जो ये इंटरनेट सर्विसेज है, ये हमारी फिफ्थ जनरेशन में आती है, वाईफाई आती है, हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब जो वाईफाई है वो सब जगह क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, सभी कंट्री, रेलवे स्टेशन पे आप देखेंगे कि वहां पे वाईफाई रहते हैं फ्री के, ठीक है। तो ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है कि अब जो गांव है वहां तक हम ये नेटवर्क को पहुंचाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे थर्ड जनरेशन में और फोर्थ जनरेशन में क्या क्या हुआ था, बहुत सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। फिर न्यू जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म, फिर जो हमारा उसके बाद वाला रिफॉर्म्स था फिफ्थ जनरेशन, ठीक है, तो उसमें क्या किया हम लोग ने, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, नेटवर्क, ये सारी चीजों पे हमने फोकस किया, ठीक। देखिए यहाँ पे उस टाइम पे क्या था और 2020 में क्या क्या चेंजेस हुए, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये जनरेशन फोर्थ के रिएक्टर है, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, जो हमारा परमाणु बम था, ठीक है, ये सारी चीजें जब हम लोग ने जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया, ब्रिज वगैरह बनाया, तो ये सारा क्या हुआ, ये सारे जो डेवलपमेंट थे उसको हम लोग ने फोकस किया यहाँ पे, ठीक है। फिर एक ये हमारा अलग से टॉपिक है, ये हमारा जी इकोनॉमिक रिफॉर्म हो चुका है, ये यहाँ पे मैंने कवर किया है, GI लोगो और स्लोगन या टैग, ठीक है। तो जो ये GI टैग है, ठीक है, इसको आप लोग को मुझे बता, आप लोग को लर्न करना है, मैं स्क्रीनशॉट लेते जाओ, मैं स्लाइड्स को आगे करती हूँ, ठीक है। GI टैग कब आया, किस लिए आया, किस लिए दिया जाता है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है GI टैग से, क्योंकि एक दो क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है GI टैग के बेनिफिट्स क्या क्या है, ठीक। अभी उसके प्रोटेक्शन एक्ट में क्या क्या आता है, ठीक है, उसका प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। अब GI टैग है क्या, वो है ये, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं GI टैग में हमारी, वो यहाँ पे कवर की हुई है, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। देखो सबसे ट्रेंड में था ये बासमती राइस, इसमें क्या था कि पाकिस्तान ब्लेम कर रहा था, क्लेम कर रहा था कि ये हमारा है, हमें GI टैग मिले, और इंडिया क्लेम कर रहा था कि ये हमारा GI टैग, हमारा इधर का है प्रोडक्शन, ये हमें GI टैग मिले। तो जब इसका खोज किया गया तो उसमें पता चला कि ये जो बासमती राइस है ये कहाँ पे होता था, पहले इंडिया और पाकिस्तान एक थे, तो ये जो बॉर्डर है हमारा,
इंडस का वहां पे होता था, तो वो कुछ पार्ट अब इंडिया में है और कुछ पार्ट पाकिस्तान में है। तो इसीलिए जो ये बासमती राइस है इसका जो हिमाचल प्रदेश है वहां पे इसका प्रोडक्शन होता था। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और क्या था स्पेशल डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, और जम्मू कश्मीर में भी। तो उससे जो सटे सटे पाकिस्तान से जो सटे सटे स्टेट है ना हमारे, वहां पे इसका प्रोडक्शन होता था। तो इसीलिए ये क्या किया इन्होंने बोला कि ये जीआई टैग किसको मिलेगा, इंडिया को मिलेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इसका जो पार्ट है जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे झारखंड का वो बाबा बद्रीनाथ का टेंपल आपने देखा होगा, तो वहां का पेड़ को जीआई टैग मिला है, ठीक है। ये प्योर खोआ से बनता है, इसमें कुछ भी और ऐड नहीं किया जाता है, ठीक। ऐसे आप देखेंगे तो कुछ 300-400 के आसपास आपको मिलेंगे जीआई टैग, ठीक। फिर यहाँ पे हम लोग इसको स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसके बाद वाला पढ़ेंगे, ठीक है।